अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स का आज 19वां दिन जमात सुवम मज़मून माहौल का मुताला। प्यारे बच्चों, आज हम माहौल का मुताला में हमें हवा की ज़रूरत ये सबक पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माहौल में मौजूद तमाम नबातात, जानवर, परिंदों को हवा की ज़रूरत होती है, ये आपको पता है। हम सब के लिए हवा बहुत ज़रूरी है। दरसी तजुर्बा, आओ कुछ बातें याद करें। बताओ तो भला, गुब्बारा फुलाने के लिए हम उसमें क्या भरते हैं? आप गुब्बारा फुलाते होंगे, आपको पता ही है गुब्बारा फुलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। क्या हवा हर तरफ मौजूद होती है? आपको बताना है हवा हर तरफ मौजूद होती है या नहीं होती है। हवा नहीं होती तो क्या हो जाता? अगर हवा नहीं होती तो हमें क्या नुकसान होते? इस सवालात के जवाब आपको देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर एक हवाई जहाज़, एरोप्लेन नज़र आ रहा है। वो आसमान में उड़ रहा है, वहाँ पर हवा भी मौजूद है, मगर हमें नज़र नहीं आ रही है। हवा हमें नज़र नहीं आती। हसब ज़ैल तस्वीर का मुशाहिदा करें। इस तस्वीर का आपको मुशाहिदा करना है और पूछे गए सवालात के जवाब देना है। मुझे क्या समझा? हवा दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस की जाती है। हवा को रंग बू मज़ा नहीं होता। हवा का कोई रंग नहीं होता, हवा की बू भी नहीं होती है और हवा का कोई मज़ा भी नहीं होता है। ज़रा बोले, क्या हवा हर तरफ मौजूद होती है? आपको बताना है कि हवा हर तरफ मौजूद होती है या नहीं होती है। ज़रा जहन चलाए, सांस लेना किसे कहते हैं? सांस लेना किसे कहते हैं ये आपको बताना है। सांस लेने का अमल किसे कहते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे मज़ीद मश्क करना पसंद आएगा। नाक से हवा बाहर खारिज करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जब हम हवा नाक से खारिज करते हैं तो उस अमल को क्या कहते हैं आपको बताना है। मुझे मज़ीद मश्क करना पसंद आएगा। आराम से सो रहे शख्स की छाती ऊपर नीचे होते हुए क्यों दिखाई देती है? आपने देखा होगा कि अगर कोई शख्स सोया हुआ है तो उसकी छाती ऊपर नीचे होती रहती है, ये अमल क्यों होता है ये आपको बताना है। क्या इंसान की तरह दूसरे जानदारों को भी हवा की ज़रूरत होती है? भीड़ भाड़ वाली जगह सांस घुटने लगे तो क्या करेंगे? इन सवालात के आपको जवाब देना है। अगर आपको सवालात के जवाब पता नहीं है तो आप अपने सरपरस्त, अपने वालिदैन से मदद ले सकते हैं। इस तरह इस सरगर्मी को मुकम्मल करना है। उम्मीद है आपको ये सरगर्मी समझ में आई होगी और आप इसको बआसानी हल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।